चालू हो गया है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रितेश कुमार व्लॉग एंड उत्तराखंड। सो गाइस, बहुत दिनों बाद मैंने एक व्लॉग शूट किया और काफी इंटरेस्टिंग सा प्लेस रहा, उत्तर प्रदेश बाइफरकेशन। मैं सिडकुल से टेम्पो से गया, वहां से सितारगंज और फिर वहां से सितारगंज से बाइक से गया। सो काफी इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग है, बाकी आप देख लो ब्लॉग में। सितारगंज से मैं अपने भाई के साथ पहुंचा बाईस पुल और वहां पर थोड़ा हमने किया रेस्ट। अभी जो है कि सागर के अंदर जो है कि पूरा कोहरा हो रहा है और इधर से आ रही है सन की लाइट, जो कि दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, और काफी धुंधला धुंधला सा माहौल हो रहा है यहाँ पे, कोहरा सा और कुछ व्यू आप लोगों को दिख रहा होगा। सो अभी हम चलते हैं। हाँ भाई चले। बंधा जो कि 22 किलोमीटर का है वो ख़त्म होने के बाद हम लोग सीधे पहुंचे विलेज सेला फार्म, और वहां से गांव में घूमने के बाद और एक दिन रेस्ट करने के बाद मॉर्निंग में मैं आपसे मिलता हूं, और बाकी आप ब्लॉग में देख लो, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग है। सो गाइस, आज हम आए यूपी के एक विलेज में जो कि बहुत ही प्यारा है, सेला बाबा का एक मज़ार है, वहाँ जाएंगे, उसके बाद जाएंगे बाइफरकेशन ब्रिज। मैं आया अपने ब्रदर के साथ बाइक से, जो कि ये देखो हम लोग खड़े हैं, और अभी हम जो है कि कल आए थे हम लोग यहाँ पर, अभी जा रहे हैं वापस होम, उससे पहले हम घूमेंगे बाइफरकेशन। सो चलते हैं और घूमते हैं। तो गाइस, अभी हम आ गए हैं मज़ार के पास, जो कि सेला फार्म है, और यहाँ पे सेला बाबा का ये मज़ार है। यहाँ पर जो है कि बहुत ही बड़ा मेला लगता है और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग घूमने आते हैं, और यहाँ पर जो है कि काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे जंगल का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये है जंगल का व्यू, और काफ़ी नाइट मेला लगता है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लगता है।
अभी हम आ गए हैं चूका कोटी ब्रिज, जो कि है कुछ ये, और यहाँ पर जो है कि काफी मजा आता है। अभी यहाँ पर ये पानी है जो कि कम, और जब ये भरता है तो काफी ज्यादा ओवर पानी हो जाता है और काफी तेज प्रेशर से पानी निकलता है। सो मैं आपको दिखाता हूँ अभी कुछ व्यू जो कि नीचे चल के, और हम जाएंगे नीचे यहाँ से। काफी मजा आता है उतरने में, सीढ़ी है। यहाँ पर जो है कि नीचे का व्यू कुछ ऐसा है, पानी जब भरता है तो यहाँ तक आ ही जाता है और वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और ये तो पूरा भर के निकलता है पानी अंदर से। सो गाइस अभी हो गया काफ़ी टाइम यहाँ पे और काफ़ी जगह घूमना है हमें। सो यहाँ से निकलते हैं, अभी जाते हैं ऊपर और उसके बाद हम नेक्स्ट लोकेशन पे जाते हैं और काफ़ी अच्छा नज़ारा होगा वहाँ का। ये यहाँ पर कुछ लोहे के पार्ट्स रखे हुए हैं जो कि फाटक के लिए है, और ये कुछ काम में भी आते होंगे, कुछ पड़े रहते होंगे। सो गाइस इस ब्लॉग को हम करेंगे अभी यहीं पे एंड, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग आगे का ब्लॉग देख लीजिएगा। ये ब्लॉग ज़्यादा बड़ा होना चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूँ अभी एंड इसको, और आगे का जो लोकेशन है बहुत मज़ा आएगा और काफ़ी औसम नज़ारा होगा। तो पांच रिवर करीब आपस में आके मिली हुई है और वहाँ का भी काफ़ी मज़ा आएगा देखने में। सो ब्लॉग को रखिएगा कंटिन्यू और नेक्स्ट ब्लॉग देखिएगा आप लोग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।